शीतल, शीतल क्या है गौतम? अरे देखो 8 बज गए, उठो उठो। चुप रहो गौतम, मैं रात को भी देर से सोई हूँ, सोने दो मुझे। अरे उठो यार। शीतल, शीतल, शीतल। माँ। ओ, महारानी तो अभी तक आराम फरमा रही है। अरे कुछ शर्म हया है कि नहीं? माँ, माफ कीजिए, आज देर हो गई। अरे तुम्हें घर के काम काज की कोई चिंता फिक्र है कि नहीं? घड़ी देखो, 8 बजने को आए हैं, सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम अभी सोई पड़ी हो। उधर गौतम के पापा चाय के लिए तड़प रहे हैं, हैं? पर तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं? अरे मायके से यही सब सीख कर आई हो तुम। अरे माँ, तुम क्या सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। शीतल रात भर घर का ही तो काम करती है, देखो ना रात में साड़ी भी नहीं बदल पाई वो। और अगर एक दिन पिताजी को चाय अगर देर से मिल गई तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। और आपकी लाडली बिटिया मोना कहाँ है? उसे भी तो घर के काम काज में मदद करनी चाहिए शीतल की। तो वो महारानी तो 9 बजे सो के उठती है जबकि 10 बजे उनका कॉलेज रहता है। ओहो, तू बड़ी साइड ले रहा है इसकी। तुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, ज्यादा जोरू का गुलाम मत बन, समझा? अरे माँ, मैं साइड नहीं ले रहा हूँ, घर में जो हो रहा है बस उसी की बात कर रहा हूँ। छोड़िए ना माँ जी, कोई तकलीफ नहीं, चलिए मैं किचन में चाय बना देती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें क्यों तकलीफ होगी? अरे 3 महीने से पता नहीं क्या घुट्टे पिला रखे हैं मेरे बेटे को, अब माँ के साथ भी जवान लड़ाने लगा है। अरे और तोर, जिसने कभी अपनी बहन को एक शब्द नहीं बोला, अब उसी बहन के खिलाफ बातें करता है। और ये सब तेरे कारण हो रहा है। अरे मेरी ही गलती है जो मैं तुझे इस घर में लेकर आई। चल किचन में चाय नाश्ता बना। खड़े खड़े मुंह देख रही का गुलाम कहीं का। मोना, मोना बेटा उठ जा बेटा, कॉलेज का देर हो जाएगी, उठ जा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 8 बजने को आए हैं बेटा। ओह शिट, मम्मा मैं तो कॉलेज के लिए आज भी लेट हो जाऊंगी, राहुल सर का लेक्चर मिस हो जाएगा। मैंने अलार्म लगाया था, पता नहीं बजा क्यों नहीं। अरे अलार्म तो अपने टाइम पर ही बजा होगा बेटा, लेकिन तुझे सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि उस समय तू खराटे मार रही होगी। मैंने सही कहा ना पापा? तू चिंता मत कर, मैं गौतम को बोल दूंगा, वो तुझे कॉलेज ड्रॉप कर देगा। लेकिन बेटा थोड़ा जल्दी उठा कर। बाबूजी चाय। अरे वाह, क्या बात है। अरे बेटा तुम्हारी चाय तो एक नंबर की होती है। माँ जी नाश्ता रेडी है, आप आ जाइए नीचे। चलो हम आते हैं। बड़ी तारीफ फूट रही बहू के हाथ की बनी चाय की, बड़ा जादू है हाथों में। अरे अब तक तो मेरे हाथ की चाय पीते थे ना, बहू के आते मेरे हाथ का जादू खत्म हो गया। अरे नीता, तुम भी ना जरा जरा सी बात पे बुरा मान जाती हो। अरे मैंने कब कहा कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती? अरे तुम्हारे तो हाथों में जादू है। अब देखो ना, घर की सारी जिम्मेदारी बहू ने संभाल रखी है, अब क्रेडिट भी तो बहू को जाएगा ना। अरे बेटा तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं नाश्ते में तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जी पापा। माँ क्या सोच रही हो? यही, इस नागिन ने पता नहीं मेरे पति और बेटे पर क्या जादू कर रखा, दोनों की दोनों उसकी तारीफ करते करते नहीं थकते। मेरा पति और बेटा दोनों मेरे हाथों से निकलते जा रहे हैं, पता नहीं इस नागिन को कैसे घर से बाहर निकालूं। माँ नागिन को बिल से बाहर निकालने के लिए सपेरा बनना पड़ेगा, तभी नागिन को वश में कर दूँ, वरना जिस तरह से भैया और पापा उसकी तारीफ करते नहीं थकते ना, वो दिन दूर नहीं जब वो इस पूरे घर पे
अपना राज करे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इस नई नवेली दुल्हन को तो मैं उसकी औकात ना दिखाई ना तो मेरा नाम भी नीता रावत नहीं। अरे अब क्या गिरा दिया महारानी ने, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती है ये। तुम बैठो ना। एक आप है, उसकी तारीफें करते करते नहीं थकते। अरे तुम तो हर वक्त उसी के पीछे पड़ी रहती हो हाथ धोकर। अरे इस उम्र में इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, थोड़ा धीरे से काम लो। बहू को आए हुए भी कुछ ही महीने हुए और तुम कोई मौका नहीं छोड़ती उसे जलील करने का। आप तो बस चुप ही करिए, ये भी कोई नाश्ते का टाइम है? 8 बजे तो सो के उठी है महारानी। मामा नाश्ता बन गया? बन रहा है नाश्ता। अरे वाह, बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है तूने, बड़ी सुंदर लग रही है। थैंक यू। सुंदर लग रही है? ये क्या कपड़े पहने तूने? ये कपड़े पहन के कॉलेज जाएगी? क्यों, क्या खराबी इन कपड़ों में? अरे तुम माँ बेटी से बात करना ही बेकार है। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग बेटा। बेटा तुम मोना को कॉलेज ड्रॉप कर दोगे? थोड़ा लेट हो गई आज। पापा ये तो इसका रोज का हो गया है, इसको छोड़ने के चक्कर में मैं डेली लेट होता हूँ और बॉस की सारी गालियां मुझे सुननी पड़ती है। और मोना अब तुम बच्ची नहीं हो, सुबह थोड़ा जल्दी उठा करो। भैया ये बात आप भाभी को तो कभी नहीं बोलते हो, वो तो सुबह 8 बजे उठती है। और पापा ने एक दिन मुझे आपको कॉलेज ड्रॉप करने के लिए क्या बोल दिया, आप तो मुझे कॉलेज का लेक्चर यहीं पर देने लग गए। ये देखिए, ये क्या बदतमीजी है मोना? शीतल तुम्हारी भाभी है ना कि तुम्हारी सहेली, समझी? हाँ तो मैं भी इस घर की बेटी हूँ। अरे बेटी, शीतल भी इस घर की बेटी है। अरे तुम दोनों ही इस घर की लक्ष्मी हो। खत्म बेटा, तुम बात को क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हारा ऑफिस तो 10 बजे का है ना, तुम्हारे पास टाइम है ना अभी मोना को कॉलेज में ड्रॉप करने का, तुम जाते हुए छोड़ देना। अरे पापा मैं ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन आप इसे भी तो समझाओ। अरे ठीक है। अरे वाह वाह वाह, क्या खुशबू है, सब्जी भी टेस्टी होगी। से खाना भी नहीं बना सकती। भाभी आपको तो पता है ना कि मुझे खाने में तीखा नहीं पसंद है, फिर भी आप डेली खाने में इतना मिर्च क्यों डालते हो? तुम्हारे मुंह में छाले हुए होंगे मोना, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। मम्मी जी आप कुछ लेंगे? बस बस, मेरे पास तो हाथ है, मैं ले लूंगी खुद। बाबूजी क्या हो गया आपको? आई आई आई। अरे सूट केस उतार रहा था, सिर पे लग गया। लेट जाइए बाबूजी, लेट जाइए, लेट जाइए। मैं तेल लेके आती हूँ, आपके सर की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिलेगा। ठीक है बेटी। भगवान। बाबूजी बाबूजी आप उधर हो जाइए, मैं आपको तेल की मालिश कर देती हूँ। लो यहाँ रखा है चश्मा, पूरा घर छान लिया मैंने ऊपर,
कहीं भी चीज रख देते, बाद में मुझे बोलते रहते कहां रख दिया है। माजी आपको हुआ क्या? माजी क्या हो रहा था? ये ससुर और बहू के बीच में मर्यादा और लज्जा का एक रिश्ता होता है और तुम आज दोनों ही भूल गई हो। ससुर की सेवा करने के बहाने इतने नजदीक जाओगी तुम उनके कि उनका सर अपनी गोदी में रखे मालिश करोगी उनकी? माजी अब ये सब गलत सोच रही है। मैं गलत सोच रही हूँ कि तुम्हारी हरकत ही घटिया है? मेरे बेटे से मन नहीं भरा तेरा जो मेरे पति पर डोरे डाल रही है तू? तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? आप ये सब क्या बोल रही हैं? आप ये सब सोच भी कैसे सकते हैं? आपको जो समझ में आ रहा है आप बोलते जा रहे हैं। अनम शनम, बाबूजी के सर पे चोट लगी थी इसलिए मैंने उनकी मालिश की। अगर बहू अपने ससुर की सेवा करे तो उसका ये मतलब नहीं कि उनके बीच में गलत संबंध है। आज की बात तूने कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल यहां से, मैं खुद कर लूंगी अपनी पति की सेवा। Oh, my God.